सर्वप्रथम बुद्धा धर्म संघ को प्रणाम करेंगे पाली गाथा द्वारा, उसके बाद पंचशील याचना करेंगे जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही। अरहं सम्मा सम्बुद्धो, आवाज निकाल के स्वाघातो भगवता धम्मो, स्वाघातो भगवतो धम्मो, धम्मं नमस्सामि, धम्मं नमस्सामि, सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि, पंचशील प्रार्थना। ओ काश वंदामि भन्ते, ओ काश वंदामि भन्ते, द्वारतेन जातं साभं, अपराधं खमता, अपराधं खमता, भान्ते भान्ते, द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि, ओकाश अहं भन्ते, ओकाश अहं भन्ते, त्रिसरणेन सह पञ्चशीलां, सह पञ्चशीलां, धम्मं याचामि, धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा, अनुग्रहं कृत्वा, शीलं देता, शीलं देता, मे तृतीयाम्पि, द्वितीयाम्पि, यमहं वदामि तं वदेत, अनुमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि भूतं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि भूतं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, शरणगमनं परिपूर्णं, अमन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिनदान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिनदान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मोसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मोसावादा वीरमणि सिक्खा
पमादत्ताना वेदमने स्वेक्कापदं समादियामे सूरामीर मध्य प्रमादत्तान वेदमने सिक्कापदं समादियामे सरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 मदं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि आराम से ध्यान पूर्वक धम्म देशना श्रवण कीजिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणी तथागत भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणी तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आदि श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः आज हम विशेष जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तो वर्षावास का समय भी है, हाँ दूसरा भंते मिला है इसलिए भी, और ये भी कारण है कि हमारे पास के उपासक का जन्मदिन भी हुआ है। तो महाकारुणी तथागत बुद्ध, बुद्ध होने के बाद बुद्ध गया से सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में सबसे पहले पंचभद्र वर्गीयों को उपदेश दिया। जब उन्होंने पहला जो उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो पहले उपदेश में द्वयमे धम्मान्तान सेवितव्वा, दो अति मार्ग सेवन नहीं करना, एक कामेषु कामेषु कल्लिकान योगो, शरीर को अति सुख दे के नहीं बैठना, उससे हमें सुख शांति नहीं मिलेगा। आंखों से जो मर्जी देखते रहना, शरीर से जो मर्जी छूते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, आंखों से जो मर्जी देखते रहना, शरीर को अति सुख दे के भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं, दुख मुक्त होने वाला नहीं। और दूसरा अति किलमथान योग, शरीर को अति दुख दे के भी दुख मुक्त होने वाला नहीं है। मतलब जितना शरीर को दुख देंगे उतना देवलोक ब्रह्मलोक जाएंगे करके पहले के ऋषि मुनि कठोर कठोर तपस्या करते थे ना, तो वैसा करके भी दुख मुक्त नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने ये दो अति मार्ग के बीच का मध्यम मार्ग शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया। तो पहला जो उपदेश में जो चार आर्य सत्य बताया ना, दुख सत्य, दुख का कारण तृष्णा, दुख मुक्त निर्वाण और निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही मध्यम मार्ग शील समाधि प्रज्ञा, उसमें भी सबसे पहले दुख सत्य बताया। दुख सत्य में तथागत बुद्ध कहते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, यम भी संग नलवती तम भी दुखं, कि यही विपयोग दुखो, अप्य यही संपयोग दुखो, संकितेन पंचोपादान खंडा दुखा। तथागत बुद्ध कहते हैं, जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा या वृद्ध होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, व्याधि भी दुखो, बीमार होना दुख है, मरणम भी दुखम, सब कुछ छोड़ के मरना भी दुख है, यम भी इच्छा न लभती तम भी दुखम, जो हम इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता वो भी दुख है,
पिए ही विपयोग दुखो, जो जिसे हम प्रिय कहते अपने कहते उनसे दूर रहना दुख है। अप्रिय ही संपयोग दुखो, जिसे हम पसंद नहीं करते अप्रिय बोलते उनके साथ रहना दुख है। संक्षिप्त ना संक्षिप्त में पंचुपादान खंडा दुख, ये पंचस्कंद रूपी ये नाम रूप रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तथागत बुद्ध ने दुख के विषय में बताया, तो उनमें भी सबसे पहला बुद्ध ने दुख क्या बताया, जाति की दुखा जन्म होना दुख है। जन्म हुआ इसलिए हर तरह का दुख का सामना हम कर रहे हैं, है ना। जन्म होने के बाद दुख है कि नहीं, अभी देखा जाए तो मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का इतना आलिशान घर है, अच्छा खासा जॉब है, कमाई है, खाने को टेंशन नहीं, पहनने को टेंशन नहीं, रहने को टेंशन नहीं, बीमार हुआ तो दवा पाने के लिए टेंशन नहीं, तो एकदम सुखी होना चाहिए ना जीवन, सब सुखी है ना। जीवन का ये भौतिक आधार जो चार मूल आधारभूत सब पूरा है, बहुत सुखी होना चाहिए, फिर भी दुखी है कि नहीं। जब अकेले बैठते तो टेंशन आता है कि नहीं, एकदम मन में क्या 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 ख्याल आके मन दुखी होता है कि नहीं। तो इतना संपन्न होने के बाद भी हम दुखी है तो जस्ट इमेजिन दुनिया में इंसान इंसान होके भी कैसे कैसे है, जिसको रहने का घर नहीं कितने है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं कितने है, खाने को खाना नहीं कितने है, बीमार हुआ तो दवा पानी नहीं कितने है, और इंसानों के भी जन्म लिया तो बहुत ही दुर्गम जगह पे पहाड़ों में कंदराओं में जन्म होने वाला कितना है, जिसका लाइफ का कोई सेफ सिक्योरिटी नहीं है, खाने के लिए कितना संघर्ष, पीने के लिए कितना संघर्ष, और वो तो छोड़ी तो दुनिया में कितने कितने लोग हैं जिसका आंखें नहीं तो दुनिया क्या देखेंगे, जिसका कान नहीं अभी सुनेंगे कैसे, जिसका हाथ नहीं, बिना हाथ के हम इमेजिन कर सकते कैसे होगा, जिसका पैर नहीं, हाँ पैर दर्द भी हुआ तो यहाँ वहां जाने में कितना तकलीफ है, पैर ही नहीं तो इमेजिन करो ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका एक किडनी नहीं है, जिसका क्या बीमारी है, जिसका क्या बीमारी है, मतलब जन्म होने की वजह से अनेक अनेक दुख का सिलसिला शुरू होता है। अतमला संगा, अगर ऐसी बात है, अगर ये सही बात है, अगर ये बुद्धवाणी है, तो हम जन्मदिन को क्यों खुशियाली के रूप में मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यों हैप्पी बर्थडे, क्यों जन्मदिन खुशियाली के रूप में मनाते हैं। अगर ये जन्म होना दुखी दुख है तो जन्म दिवस तो काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना, शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, अरे बाप रे आज के दिन में मेरा जन्म हुआ इसलिए मुझे इतना दुख झेलना पड़ा करके काला दिवस बोलते ना, ब्लैक डे या शोक दिवस ऐसे रूप में मनाना चाहिए, फिर क्यों हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यों खुशहाली के रूप में, क्यों। सबसे पहले कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो या अन्य जीव जंतु हो, कोई भी प्राणी अपने आप जन्म नहीं होता, सिर्फ माँ बाप की वजह से जन्म नहीं होता, वो उन लोगों का भी कर्म रहता है। जो अच्छे कर्म करके आते हैं वो अच्छे जगह पे जन्म होते हैं, अच्छे फैमिली में जन्म होते हैं, और जो कर्म अच्छा नहीं करते एक तो वो इंसान ही नहीं होते, कैसे कैसे कीट पतंग जीव जंतु में जन्म होते, इंसानों के जन्म भी लिया तो कितने कितने बहुत सारे परिवार है, बच्चे को मार मार के बचपन से ही काम करके करने जाओ, मांगने जाओ, ये करने जाओ करके भेजते है ना। एक तो जो जिसका भी जन्म होता है वो उन लोगों का ही पूर्व कर्म है, जो अच्छे कर्म करके आए इसलिए अच्छे जगह पे जन्म हुआ, इसलिए कर्म की वजह से जन्म। दूसरा जो है, जो हम ये खुशहाली के रूप में इसलिए भी मनाते है क्योंकि ये जो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, ये इंसान छोटे मोटे जीवन नहीं है, जितने भी प्राणियां है ना, जीव जंतु पशु पंछी कितने कितने असंख्य प्राणी जातियां है जो हमें पता भी नहीं, एनिमल प्लानेट है ना, ऐसे में देखेंगे तो अरे ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या, कितने कितने हम जानते भी नहीं, विशाल समुद्र में न जाने कितने प्राणियों की जातियां होगा,
तो उन सारे प्राणी जातियों में इंसान सर्वश्रेष्ठ जाति माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म हम पहचान सकते हैं। और इतना ही नहीं, पाप है तो उससे दूर रह सकते हैं, धर्म है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी ऐसे जीव जंतु पशु पंछी नहीं है जो अच्छे बुरे का पहचान करके अच्छे में आगे जाए और बुरे में दूर हो जाए, कोई भी नहीं। इंसान से सबसे नजदीक रखने वाला डॉगी देखो ना, वो कुत्ते को कितना भी प्यार से हम पालो, अच्छे से सार सुसार करो, बेड पे ही सोफे पे ही रहने दो, साथ में ही खाना खाने दो, चलो उसको भंते जी आ रहे तो हम देशना सुनाएंगे, सुनाएंगे क्या, सुना पाएंगे क्या? चलो अभी वो पकड़ के उसको सुनाया, समझ पाएंगे क्या? अच्छा भंते जी का ये धम्म देशना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो समझ पाएंगे क्या? नहीं। और जो समझ नहीं पाएंगे तो कर पाएंगे क्या? नहीं। कोई भी अजनबी आया तो भौंकना चालू है ना। तो कोई भी पशु पंछी जीव जंतु में वो नहीं है जो हम में है, चिंतन मनन करने का शक्ति, विवेक बुद्धि, प्रज्ञा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है तो खुशियाली तो बनता है ना, हैप्पी बर्थडे तो बनता है ना, इसलिए इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इंसान छोड़ के दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है जो निर्दोष जीवन बिता सके, जो दूसरों को बिना दुख दिए बिना कष्ट दिए जीवन जी सके, चाहे शरीर से हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो। इंसान चाहे तो निर्दोष जीवन जी सकते हैं, न शरीर से न वाणी से न मन से, बिना किसी को दुख कष्ट दिए आराम से जी सकते, इतना दुर्लभ जीवन है। बुद्ध भी कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जानते हैं? एक उदाहरण समझ लीजिए, एक विशाल समुद्र है, समुद्र बोले तो कितना विशाल है ना, इतने विशाल समुद्र में एक बांस का छड़ी है, वो बांस का छड़ी जहां जहां हवा बहता है वहां वहां जाता है, जहां जहां लहरें आता है वहां वहां बहता है, एक जगह टिका नहीं रहता, उसमें एक छोटा सा छेद। वही समुद्र में एक कछुआ रहता है, वो भी अंधे, वो अंधे कछुए 100 साल में एक बार ही अपना सर पानी के ऊपर निकालता है, फिर 100 साल तक पानी के नीचे ही रहता है। अतः मला संगा बताइए, क्या वो अंधे कछुए वो बांस की छड़ी में जो होल है ना, जो छेद है, उसमें अपना सर डाल पाएगा क्या? डाल पाएगा? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर वो कछुआ चीर काल तक जीवित रहा और वो बांस की छड़ी भी चीर काल तक नष्ट नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा कि वो अंधे कछुआ अपना सर उसमें बाय चांस डालेगा। मगर एक बार ये मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कहीं कहीं ज्यादा दुर्लभ है। क्योंकि हम अच्छे बुरे का पहचान रखते हैं, पाप धर्म का पहचान रख सकते हैं, है ना। यहाँ से नीचे कोई भी प्राणी देखो ना, ना अच्छे बुरे का पहचान, ना अच्छा करना है करके करेगा, ना बुरे से दूर रहना है करके दूर हो जाएगा। जैसे दलदल में फंसे पत्थर, वो अपने आप नीचे नहीं ऊपर नहीं आ सकता, निरंतर नीचे 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 ही जाएगा। वैसे ही मनुष्य जीवन से एक बार पतन हुआ तो दलदल में फंसे पत्थर जैसा ही। इसलिए इंसान जीवन ऐसा है, हम चाहे तो अच्छे बुरे का अच्छे से पहचान रख के अच्छे चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, बुरे से दूर हो सकते हैं। अभी बताइए, हैप्पी बर्थडे करना है कि नहीं, खुशियाली है कि नहीं? तो खुशियाली मनाना है, केवल केक काट के केवल सेलिब्रेट करना ही नहीं, ये बात भी हमें याद रखना है कि जीवन के इतने साल
मैंने जिया, तो इतने साल तक में मैंने क्या किया, अच्छे बुरे का थोड़ा सा हिसाब किताब करना चाहिए, अच्छा ज्यादा किया या बुरा ज्यादा किया, अच्छे बुरे चलता रहता है, अच्छा ज्यादा किया तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा ज्यादा किया तो बुरा परिणाम आएगा। तो मैंने अच्छा किया या बुरा किया समझना चाहिए, अच्छा किया तो ठीक है और बढ़ाते जाओ, बुरा किया तो ठीक है अभी क्या करूं, पश्चाताप करके तो वो बुराई खत्म नहीं होगा, ठीक है आगे से नहीं करेंगे। रियलाइज करो, महसूस करो कि ये बुरा है, मुझे करना नहीं है, इसे छोड़ के मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है। जीवन का कोई भी निश्चितता नहीं, बुद्ध कहते हैं ध्रुवम में मरणम अधुवम में जीवितम, मरना निश्चित है जीना अनिश्चित है। कब तक जिएंगे पता है क्या, नहीं, कोरोना आ गया कितने लोगों को लेके गया, न जाने ऐसे महामारी कितना आता रहेगा, कितने प्राणियों को लेके जाएगा, कितने एक्सीडेंट से जा रहा है, कितने क्या क्या होके जा रहा है। जीवन का कोई भी निश्चितता नहीं है, आज है कल नहीं है, इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में जितना हो सके हमें अच्छा करना चाहिए, वही हमारे लिए सहायक बनेगा। जैसे हम थोड़ा करके पैसा जमा करके बैंक बैलेंस रखा, तो जीवन में कोई भी आपद विपद आए, इमरजेंसी हो, वो पैसे से हम वो काम कर सकते हैं, चाहे एक्सीडेंट भी हुआ या दवा भी करना हो सब। वैसे ही पुण्य हम करते करते जाएंगे, संचय करेंगे, तो यही पुण्य हमारा आधार बनेगा। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हमें अच्छे से अच्छे करना चाहिए। कम से कम बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेके अपने लोगों को ये धम्म दीक्षा दिया, धम्म दीक्षा लिया तो अब हम क्या बन गए, बौद्ध बन गए। बौद्ध अपने आप में जो बोध होते हैं उसको बौद्ध कहते हैं, जो रियलाइज करते हैं अच्छे बुरे का रियलाइज करते हैं उसे बोध हुए व्यक्ति बौद्ध कहते हैं। इसलिए कम से कम बौद्ध हुए है तो निश्चित रूप से बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, ऐसे श्रद्धा कि जीवन में अभी बुद्ध धम्म संघ बाहर दूसरा कोई शरण नहीं है, बुद्ध धम्म संघ छोड़ के दूसरे शरण ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, दूसरे मतों में फंसने की जरूरत ही ना पड़े, बुद्ध धम्म संघ। इसलिए हम धम्म पालन के शरण गाथा में कहते हैं ना, नत्थी में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरम, और दूसरा कोई मेरा शरण नहीं, बुद्ध ही मेरा शरण है। ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुवाद से वो तुमे जय मंगलम, हमारा हमेशा हमेशा जय मंगल। वैसे नत्थी में शरणं अन्यं, तम्मो में शरणं वरम, संगो में शरणं अन्यं, तम्म बाहर संग बाहर दूसरा कोई शरण नहीं, इस सत्य वचन से हमारा जय मंगल। बुद्ध धम्म संघ के प्रति एकदम दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, बुद्ध को पहचाना, धम्म को पहचाना, संघ को पहचाना, तो बाकी शरण की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध ज्ञान का भंडार, ज्ञान के पुंज, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो बुद्ध। मतलब डॉक्टर एक ही है क्या, जो भी MBBS करता है या जो भी PhD करता है वो डॉक्टर, वो तो हर कोई बन सकता है। ऐसे ही जो भी ये ज्ञान प्राप्त करेगा वो बुद्ध। जिस तरह प्रकाश होने से अंधेरा नहीं रह सकता, वैसे ही जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं रह सकता। इसलिए बुद्ध के शरण में जाके अज्ञानी नहीं बनना, तम राह है, रास्ता है। जिस तरह यहाँ से नासिक जाना है तो नासिक जाने का रास्ता है, हाईवे है, उसी तरह ये धम्म बोले तो जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है उससे दूर होने का रास्ता है, जीवन जीने का कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है ना। जीवन में जितने भी समस्या आता है उन सारे समस्याओं का समाधान है धम्म, दुख मुक्ति का मार्ग है। इसलिए ऐसे धम्म है और हम ही जीवन में ये करूँ वो करूँ ये दुख ये तकलीफ, तो इसमें हमारी गलती है कि धम्म की गलती है, हमारी गलती है। धम्म को पहचानना है, फिर संग
तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो खुद भी धर्म का पालन जितना हो सके करते हैं और दूसरों को भी धर्म की शिक्षा देते हैं, वो संघ जो सीधे सीधे निर्वाण के मार्ग में जाते हैं, वो संघ जो अनुतरंग पुण्यं खेतं लोक साधि, दुनिया में पुण्य रूपी अनुपम खेत समान, जहां हम थोड़ा भी दान देंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य का आशा कर सकते हैं, दुनिया के अनुपम पुण्य रूपी खेत समान, ऐसे संघ। इसलिए बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जानेंगे तो अच्छे से श्रद्धा उत्पन्न होगा, विश्वास उत्पन्न होगा। अगर वो विश्वास उत्पन्न हो गया तो दूसरे धम्म में या दूसरे ये देवी देवता करके यहाँ वहां करके जाने की जरूरत नहीं, अरे ये त्योहार आ गया चलो थोड़ा मनाते, बुद्ध धम्म संघ में दृढ़ श्रद्धा आ गया तो वहां जाएगा ही। इसलिए एक हम उपासक है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखना है। भगवान बुद्ध के समय में हमेशा हमेशा बिहार में जाने वाला एक उपासक था, हमेशा बिहार में जाते थे, ये वो सेवा करते थे, हर चीज करते थे, इसलिए उसका नाम ही शरण उपासक, हमेशा बिहार जाते रहना। पर बचपन से उसका एक आदत क्या था, बचपन से वो दारू पीता था और बचपन से आदत लगा तो बड़े होकर भी छोड़ ही नहीं पाए, वो बिहार के उपासक बने वो छोड़ ही नहीं पाए और ऐसे होते होते एक दिन वो मर गया। तो पिछले संघ में बातें होते थे, हो रहे थे कि अभी वो शरण उपासक मर गया क्या हुआ रहेगा, तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक श्रोता प्रतिफल में पहुंच चुके हैं और वो दुर्गति नहीं जाता, श्रोता प्रतिफल में जो पहुंचते वो दुर्गति नहीं जाता, सुगति जाता। तो सारे पिछले लोग कहते हैं वो भगवान ये दारू पीना तो अपने आप में अकुशल है, पाप है, पंचशील में तो शराब मेरे मजहब हमारा था ना उसमें ही आता है, तो ऐसे नशा पता करने वाला भी कैसे श्रोता प्रतिफल में पहुंच गए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हे भिक्षुओं, ये शरण उपासक में बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना श्रद्धा था कि कोई आके देखो बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, धम्म संघ संघ नहीं कहो, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए को, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सर काट देंगे करके तलवार लेके बैठे। तो वो शरण उपासक कहेगा बुद्ध बुद्ध ही है, धम्म धम्म ही है, संघ संघ ही है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, मेरा सर काटना है तो काटो। किसी में इतना साहस होगा क्या, तलवार लेके बैठे अभी ना बोलो, नहीं तो हम सोचेंगे ना हाँ अभी नहीं बोलेंगे, मन में तो है बोल देता ना, बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संग संग नहीं, डर के मारे बोल जाता, मगर उसमें इतना श्रद्धा था, श्रद्धा इतना ताकत देता है कि ऐसे चीजों से डरते नहीं, तो उसमें इतना ताकत आ गया कि सर काटना है काटो, और बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संग मुझे चाहिए, इतना दृढ़ श्रद्धा था ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति, जिसकी वजह से ये नशा सेवन करने वाला जो अकुशल है वो भी श्रोतापति होने से नहीं रोक पाया। इसलिए बुद्ध धम्म संघ को जानना है, दृढ़ श्रद्धा रखना है, जीवन भर हमारा कल्याण करेगा। और एक चीज, हम बहुत उपासक है तो कम से कम पंचशील पांचशील को हमेशा ध्यान में रखना है, पालन करना। एक बार तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचता है, तो गांव में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग वहां जमा होते हैं, बुद्ध के उपदेश सुनने, बुद्ध के दर्शन करने वहां जमा होते हैं। तो देखते ही देखते बहुत सारा जमा हो गया, तो जमा हुए कुछ लोग ही भगवान बुद्ध को बोलते हैं, भगवान हमने आपके विषय में सुना है आप बुद्ध है तथागत है, और ये भी सुना है आपके उपदेश सुनने से मन में ये जीवन में क्या है, दुख ही दुख है, चलो अभी दुख मुक्ति के मार्ग में जाते हैं, भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं करके आपके चेला बनते हैं। भगवान हमें वैसा धर्म नहीं चाहिए, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, इसलिए ऐसा उपदेश दो कि घर गृहस्थ में रह के परिवार में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सके। तो उस समय तथागत बुद्ध ने यही उपदेश देते है कि ये गाँव में हिंसा करने वाला है क्या, ओहो भगवान बहुत है, हिंसा करने वाला पसंद है क्या, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, अगर हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो आप लोग करते हैं कि नहीं,
सब शांत रहते हैं। बुद्ध कहते हैं हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी मत करो, हम करेंगे तो दूसरे भी हमें पसंद नहीं करेगा। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, हमें पसंद नहीं है तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा। न हनय न खाते, किसी को हनन मत करो, घात मत करो, दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर तथागत बुद्ध ऐसे पूछते जाते हैं, चोरी करने वाला है क्या? बहुत है। व्यभिचार करने वाला है क्या? बहुत है। असत्य बोलने वाला है क्या? बहुत है। नशा पता सेवन करने वाला है क्या? बहुत है। फिर बुद्ध पूछते ऐसे लोग पसंद है क्या? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं अगर पसंद नहीं है तो खुद भी मत करो। चोरी करने वाला चोर पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी मत करो। बुद्ध कहते हैं ये पांच शील भी जीवन में अच्छे से पालन करेंगे तो सुख शांति के लिए भिक्षु भिक्षुनी या गृह त्यागी होके जाने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति मिलेगा। तो ये पांच शील हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले ये पांच शील प्रार्थना करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके ये पांच शील, पानातिपाता वेदमनि, प्राण हिंसा नहीं करना, अधिन्ना दाना वेदमनि, चोरी नहीं करना, कामेशु मिथ्याचार वेदमनि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेदमनि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मद्यपमादंथाना वेदमनि, नशा पता सेवन नहीं करना, ये पांच शील में पालन करना है। अब ये केवल जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी नहीं है, प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, जरूरी है पालन करना। नहीं मारना सबको पता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, केवल बौद्ध धर्म मानने वाला ही नहीं, हर किसी को पूछो ये मारना अच्छा है कि बुरा है, सब लोग क्या कहेंगे? बुरा ही कहेंगे, अच्छा है कौन बोलेगा, है ना? तो ये सार्वजनिक है, प्राकृतिक नियम है कि हिंसा नहीं करना, तो इसको नहीं करना। अभी क्या है ना, हमें जीने के लिए हिंसा करने की जरूरत है क्या? या हिंसा नहीं किया तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना, तो आराम से पालन कर सकते हैं, करो, करना चाहिए। हाँ, वैसे ही चोरी, व्यभिचार, असत्य, नशा पता, इससे भी दूर रहना चाहिए। संकल्प लेके कि जीवन में मुझे अच्छा इंसान बनना है, जीवन में मुझे अच्छे बौद्ध उपासक उपासिका बनना है, इसलिए ये पांच शील मुझे कोई हालत में बिगाड़ना नहीं है, मुझे पालन करना है, ऐसे संकल्प लेके, ऐसे अधिष्ठान लेके चलना चाहिए। संकल्प लेके अधिष्ठान लेके आगे चला तो भी तो कहीं ना कहीं इधर उधर होके होश में बेहोश में बिगड़ जाता है, और लापरवाही करके आगे बढ़ेंगे तो कभी भी बिगड़ेगा। जब बिगाड़ा तो भी आज तो मैंने सिर्फ प्रार्थना ही नहीं किया, बर्फ डाला, अच्छा हुआ करके बैठे, ये पाप हुआ ना। पांच सिल में एक सिल भी बिगाड़ा तो पाप, चार सिल पालन किया, एक सिल बिगाड़ा, मैं तो जीत ही रहा हूं ना, ऐसा है क्या? नहीं, एक सिल भी बिगाड़ा तो भी पाप। और आपने एक दिन पालन किया, एक महीना पालन किया, एक साल पालन किया, 10 साल तक अखंड रूप से ये शील पालन किया, मगर 10 साल के बाद एक शील भी बिगाड़ेंगे तो उसका पाप। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये शील पालन करो, हमेशा पालन करो, ऐसा बताया है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए, पंचशील को अच्छे से पालन करना चाहिए, और अपने श्रद्धा अनुसार, कैपेसिटी अनुसार दान देते रहना चाहिए। और दान भी केवल स्पेशल ओकेजन में दान देना नहीं है, जन्मदिन में एक बार, या कोई बुजुर्ग गया तो उसके नाम पे एक बार, साल में एक बार, ऐसा नहीं। दान निरंतर अभ्यास करना चाहिए, हर दिन अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब क्या, हर दिन बंदे के पास जाके दान दे, हर दिन बिहार में जाके दान दे? दान का मतलब क्या है, जो अपना है दूसरों को त्याग देना, छोड़ देना, चाहे गरीबों को दो, चाहे भूखे लोगों को खिलाओ, चाहे कपड़ा जिसके पास नहीं कपड़ा दान दो, हर तरह से दान दे सकते हैं, मगर दान निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे निरंतर अभ्यास नहीं करते
वो साल में एक बार भी दान देना पड़ा तो भी सोचेगा, और दान देने के बाद कितना तक तो बेचैनी होता रहेगा, मैंने दान नहीं देना चाहिए, वो पैसे से मैं ये करता तो ये कल्याण होता, वो करता तो वो कल्याण होता, है ना। इसलिए निरंतर तरह अभ्यास करना चाहिए। अभी ये भी सीढ़ी पढ़ना बड़ी बात है क्या? हर किसी को आता है ना, ए बी सी डी क ख ग घ, मगर एक बच्चे को ए बी सी डी पढ़ाते हैं और उसको कितना भी पसंद ना आए फिर भी पकड़ पकड़ के पढ़ाते हैं, रोए तो रोए, चिल्लाए तो चिल्लाए, उसको मार मार के भी पढ़ाते हैं। अरे बच्चे है रहो दिया, उसको पसंद नहीं है तो जाने दो, छोड़े छोड़ते है क्या? कैसे भी वो ए बी सी डी क ख ग घ पढ़ाते, और वही बच्चा ये भी सीधी पढ़ पढ़ के बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर बन जाता है ना। ऐसे ही ये हमारा मन का स्वभाव है, अच्छे चीजों में ज्यादा नहीं लगता, नहीं जाता, मन में राग है, मन में द्वेष है, मन में मोह है, क्लेश है। इसलिए जैसे जैसे क्लेश जगह है वैसे वैसे में मैच होता है, कैची होता है, और ऐसे जगह में हमें अच्छा लगता है। जैसे वो मक्खी रहता है ना, जितना गंदगी हो उतना ही उसको अच्छा लगता है, मन का स्वभाव ऐसा ही है। अभी हम ध्यान बैठेंगे तो उसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, इसलिए ध्यान 2 मिनट भी बैठा तो अरे कमर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, ये वो, फिर थोड़ा कैसे आंखें खोल के मोबाइल का है, मोबाइल भी देखते है, है ना। आसान नहीं है, और धर्म देखना सुनना भी आसान नहीं है। इसके बदले वो टीवी में मूवी लगाओ, इतना रस लेके हा 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 करके, क्योंकि उसमें राग राग बोले तो अटैचमेंट, हाँ लालच या प्रेम रोमांस सब है, फिर द्वेष है, द्वेष बोले तो गुस्सा क्रोध द्वंद्व फाइटिंग वो भी है, फिर मोह बोले तो अज्ञानता मूर्खता जोक्स वो भी है, तो पूरा मैच होता है, फिर कितना भी समय गए पता ही नहीं चलता। एक मछली को एक्वेरियम में रखा तो उसको 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, वो आराम से खेल के बैठेगा, है ना। मगर वो मछली को निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल में साफ करके अच्छे से अच्छे चांदी के सोने के टेबल में भी रखो, क्या होगा? वो एक ही बार में तड़पने लगेगा, और ज्यादा समय रखा तो मर जाता है, हा? क्योंकि वो पानी उसको मैच होता है, वो कितना भी रह सकता है। मन भी ऐसा है, मरने मरने जैसा होता है, ध्यान ज्यादा बैठा रहा या ये तमदेशना ज्यादा करता रहा तो एकदम बेचैनी होके मरने मरने जैसा, वो मछली जैसा तड़पने लगता है। इसलिए आप बताइए, हमें ये लोभ के पीछे जाना अच्छा है या दान के पीछे जाना अच्छा है? हमें दूसरों को हिंसा करने के पीछे जाना अच्छा है या दया करुणा के तरफ जाना अच्छा है? हमें एकदम चिड़चिड़ होके एकदम गुस्सा रख के बैठना अच्छा है या शील पालन करके आराम से बैठना अच्छा है? शील पालन करके आराम से। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनना है, अच्छे इंसान बनना है या बुरे इंसान बनना है, धर्मात्मा बनना है या पापी बनना है, वो हमें सेट करना है, और उसके लिए अभ्यास करना है। दाने की बात में नहीं दे सकते, शीले की बात में पालन नहीं कर सकते, ध्यान की बात में नहीं बैठ सकते, पर निरंतर अभ्यास करेंगे ना, वो ये भी सिद्धि पढ़ने वाला डॉक्टर इंजीनियर बनता है। वैसे ही दान देने वाला अभ्यास कर करके अनाथ पिंडिक महाजन जैसा, विशाखा उपासिका जैसा दान दे सकते हैं। शील पालन करने वाला भी दृढ़ रूप से अच्छे से पालन कर सकते हैं। ध्यान करने वाला भी कितने कितने समय तक अच्छे से समाधि में लगा के ध्यान कर सकते हैं। अभ्यास तो करो, है ना, मन ना लगे तो भी मन को ये मेरे लिए कल्याण यही है, बार बार लगाना चाहिए, बारम्बार लगाना चाहिए। मन नहीं मानता, मन तो मक्खी की तरह गंदगी की तरह भागता है, फिर भी वो गंदगी में जाना मेरा कल्याण नहीं है, कल्याण मेरा यही है, इसी में लगाना है करके लगाना चाहिए। और एक बात, ये जो अपने आप को ट्रेन करता है ना, उसी का कल्याण होता है। पापा ने किया तो पापा का ही कल्याण, मम्मी ने किया तो मम्मी का ही कल्याण, बच्चों ने किया तो बच्चों का ही कल्याण,
और सबसे अच्छा सब ने मिलके किया तो सबका कल्याण। मम पापा अच्छा रहा तो बच्चों को फ्रीडम मिलता है, बहुत जीने के लिए आसान होता है। हैं, मम पापा सशक्त रहा तो ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, सोने की पिंजरे में जैसा सुखी रहता है क्या? नहीं। तो मम पापा अच्छा रहा तो बच्चे बहुत एंजॉय करेगा, और बच्चे अच्छे रहे तो मम्मी पापा बहुत शांति से रहेगा, मेरे बच्चे धर्म में अच्छे से पके है, ये गलत नहीं करेगा, कहीं भी जाओ अच्छे से शांति से रहेगा। तो कितना अच्छा हुआ ना, हाँ बच्चे अच्छे रहा तो मम्मी पापा को संतोष, मम्मी पापा अच्छा रहा तो बच्चे को एंजॉय, बच्चे को अच्छा। इसलिए हर कोई अच्छा बनना बहुत जरूरी है, और ये दुर्लभ जीवन मिला है तो हम कर भी सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं, अच्छे बुरे की अच्छे से पहचान रख के बुरे से दूर और अच्छे में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन है, और ऐसे समय में जो जन्म दिवस आता है वो निश्चित रूप से खुशहाली है, हैप्पी बर्थडे है ना। एक बार वो जन्मदिन का अपने चैनल पे बहुत बड़ा वो लाइव प्रोग्राम ये वो किया था, किसी उपासक ने वहाँ पे कमेंट किया था, ये भिक्षु लोगों को पता नहीं क्या, ये बुद्ध ने जन्म होना दुख है बोला और यहाँ इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको कौन समझाए, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, चाहे कोई भी ओकेजन हो, चाहे कोई भी उपलक्ष्य हो, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। आज बनते आए तो ये माहौल बन गया, तो ऐसे माहौल बार बार, साल में एक बार नहीं, हाँ ये माहौल बनाने के लिए पापा का बर्थडे कब आएगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। होरन दान देने में तकलीफ है क्या? तकलीफ है? अपने इच्छा से दान देने में तकलीफ है क्या? हाँ नहीं। तो वो क्या एक साल में एक बार वेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। ज्यादा से ज्यादा उपलक्ष्य ओकेजन पकड़ो, आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, उनका बर्थडे, इनका बर्थडे, फिर ये माँ का तिथि, ये पिता का तिथि, ये उनका तिथि, ये उनका तिथि, ये आज कॉलेज में मैं मतलब अच्छे रैंक में पास हो गया, या थोड़ा बुरा हुआ बाद में अच्छे होना चाहिए वो आशीर्वाद के लिए, है ना। जीवन में हर एक समय में ओकेजन बना के कम से कम महीने में एक बार तो ये माहौल बनाना चाहिए, ये माहौल बनाएंगे तो हाँ इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम अच्छे तो करेंगे, हम बुरा नहीं करेंगे, वो आता है। फिर समाज में रहते रहते फिर ये भूल जाता है, फिर अपने हिसाब से चलता है, तो फिर से साहस करने के लिए, फिर से होश रखने के लिए ये माहौल बनता रहना चाहिए। जितना माहौल बनेंगे आप लोगों का भी कल्याण, बच्चों का भी कल्याण, और बच्चे अच्छे रहे तो आने वाला जनरेशन भी अच्छा रहेगा। इतना अच्छा बुद्ध का धम्म मिला है, बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्म देख के सबसे साइंटिफिक सबसे मानवतावादी धम्म यही है करके बुद्ध के धम्म स्वीकार के अपने समाज को दिया है। तो हम अपने ईगो की वजह से, हम अपना अहंकार अभिमान की वजह से, या हम अपनी कमजोरी की वजह से इससे दूर क्यों रहे? इसलिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखना है, पांच सील अच्छे से पालन करने का अभ्यास करना है, दान श्रद्धा और क्षमता से दान देते रहना है, और जितना हो सके उतना माहौल बनाते रहना है। ये लोकल ट्रेन में जाएंगे ना तो सामने खड़ा भी रहा तो चढ़ने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप आपको अंदर बिठा देगा, और उतरते समय गेट के पास बैठो अपने आप आपको उतार देगा। वैसे ही एक हम अच्छा माहौल बनाएंगे ना, हाँ चाहे पापा के मन में आए मम्मी के मन में आए, अच्छा माहौल बन गया तो सिर्फ अकेले के लिए नहीं होता, वो सबके लिए हो गया। इसलिए दान देने के माहौल बनाया तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे, शील पालन करने के माहौल में बैठा तो शील पालन करते रहेंगे, ध्यान करने के माहौल में बैठा तो अरे वो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान जा रहा है, वो 10 दिवस वो 20 दिवस जा रहा है, मैं भी ध्यान करता हूँ करके 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से ध्यान करते जाएंगे। इसलिए अच्छे माहौल, अगर बुरे माहौल में गए चलो पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी में ही लग गया, चलो यहाँ वहाँ ये करेंगे वो करेंगे उसमें ही लग गया, है ना। जैसा माहौल हम बनाते हैं वैसा ही बन जाएगा,
पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि कौन सा माहौल हमारे लिए कल्याण है, आज के लिए, भविष्य के लिए कौन सा माहौल अच्छा है, और उसके लिए हमें वो माहौल बनाने के लिए हमें ही मेहनत करना है। हमारे लिए बुद्ध वहां से आशीर्वाद देके वो माहौल नहीं बना देगा, वो हमें ही बनाना है। अभी काल ने भी अच्छा खासा माहौल बनाया, भगवान को इतना दिखाया, तो भगवान को दिखाने का मतलब क्या है? घर में कितना भी कलह हो, झगड़ा हो, भगवान को देखते ही अरे हम कैसे मूर्ख बुद्ध के सामने लड़े, चलो अंदर जाके लड़ते बोलेंगे या हम इसको छोड़ेंगे बोलेंगे, है ना, बहुत कम होगा, है ना। इसलिए ऐसे माहौल हमें बनाते जाना है। इसलिए फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धर्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य करते हुए दुर्लभ अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विवादन्तु संपरोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब ब्रह्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पातितं दुह्यङ्गिप्पमेव समेजतु सर्वे पुरेन्दु चेतसङ्कप्पा छन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पाति सक सम्पातिमेव च अतो निब्बान सम्पाति इमिनाते समेतु। साधु साधु साधु। पैर पीछे करके बैठे तीन बार प्रणाम करने के लिए। बुद्धं नमामि।